Very good morning to all our viewers. Member of a member of parliament from Sikhar district. And he's also a member of Arya Samaj. We all would like to welcome Mr. Swami Sumedanand Saraswati. He has been in politics since past a decade now. Welcome, sir. जी धन्यवाद। Welcome, sir. नमस्कार। एजुकेशन का प्रमोशन करते हैं आप, इतने एक्टिव हैं सोशल सर्विस में, आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की? धन्यवाद हर्षा जी, आज मैं आपके इस संस्थान के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मेरे से पूछा है कि भी आप वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, समाज सेवा में सक्रिय हैं और आप राजनीति में, आपके आने का कारण क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में देश की जो परिस्थितियाँ थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार था कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग आए और इसलिए जो मेरा राजनीति माने का उद्देश्य है वो है समाज हित, एक निष्प्रिय भाव से, क्योंकि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मेरे पास में कोई किसी प्रकार की मूलभूत आवश्यकता की जरूरत नहीं है, केवल मात्र उद्देश्य एक यही है कि राष्ट्रहित तो होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत विश्व के अंदर अपनी एक जगह बनाए, भारत जगत को, पूरे विश्व को एक दिशा दे और उस दिशा के क्षेत्र में कुछ समय देने वाले लोग, समर्पित भावना के लोग राजनीति में आए। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र और देश की सेवा कर सकूं और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकूं। हमारे देश के जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, उनके स्वप्नों का भारत बन सके, इस बार आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमें उन शहीदों को स्मरण भी करना है, उनको याद भी करना है और देश को उनके स्वप्नों के अनुकूल बनाना है। जी हर्षा जी, में काफी लोग अरे पीड़ित ये हुए क्या बात हैं है, सर, कोरोना महामारी में एग्जैक्ट। काफी लोग पीड़ित हुए हैं। उस विषय में आपने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए, जब कोरोना का संकट आया हमारे ऊपर, सारे देश ने बल्कि पूरी दुनिया के अंदर त्राहिमान त्राहिमान हो चुका था और सब लोग बुरी तरह से, उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता था कि वो अपने क्षेत्रवासी नहीं बल्कि सब प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करें। तो पहला काम तो हमने मेरे क्षेत्र में, के उस समय दवाइयां उपलब्ध तो नहीं थी परंतु मास्क थे, सैनिटाइजर थे, क्षेत्र को सैनिटाइजर करवाना था, हम इस काम में जुटे और अपने क्षेत्र को सैनिटाइजर करवाया। साथ में ये था कि जब जैसे एकदम लॉकडाउन लगा और मजदूर इधर उधर निकले, तो मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की गई। और जो गरीब लोग थे, एकदम लॉकडाउन होने के कारण जिनके सामने एक संकट खड़ा हो गया कि उनको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो हमने अपने संस्था की ओर से लगभग 200 क्विंटल सामग्री, जिसमें चावल, गेहूं, आटा, दाल सामग्री, मसाले और तेल आदि, इस तरह की सामग्री हमने उपलब्ध कराई। हमने वस्त्र भी उपलब्ध कराए, हमने कपड़े भी दिए, ये सारा का हमने किया। और उसके बाद में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया, तो मैंने खुद जा जा करके जगह जगह
लोगों को इसके लिए प्रेरित किया कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है वो काफ़ी अग्रणी है, पूरे प्रदेश अग्रणी है मामले में। तो हमने प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार को तकलीफ न हो। सर, आपको CSR की तरफ से कोई सुविधाएं मिली है अरे या ये तो आपने ये कोई नेटवर्क काम करता है, ये बार बार नेट चला जाता है इन वाला। सर, आपको CSR की माध्यम से कोई मदद मिली है या आपने कोई PPP के माध्यम से कोई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं? नहीं, क्या था कि मैंने, वैसे हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र है, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, चार पांच इंडस्ट्री ऐसी हैं जो काम करती हैं और उनका अच्छा उत्पादन है, प्रोडक्शन है। तो उनके माध्यम से ज़रूर हमने कुछ गाँव के अंदर, जैसे विद्यालयों में बच्चों के लिए छाया का काम है, कोई वाटर शेड का काम है या कुछ और काम है। और मेरी लोकसभा में जैसे बजाज ग्रुप है, तो बजाज ग्रुप ने एक विधानसभा, धोद विधानसभा, जहां उनका काशी का वास माननीय बजाज जी का जन्मस्थान था, उन्होंने वहां पर जरूर कुछ काम किया है। बाकी कोई बड़ा काम इस तरह का CSR के तहत होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ कंपनी से बात करके और ख़ासतौर से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनसे कुछ काम करवाया जाए, ताकि हमारे बच्चे, हमारी प्रतिभाएं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आ सकें। और स्वच्छता अभियान की दृष्टि से भी, जैसे बस स्टैंड के ऊपर गांव के अंदर प्राय शौचालय नहीं होते हैं, वहाँ शौचालय बने, तो ये मेरा प्रयास है कि कुछ स्पोर्ट्स की सुविधाएं हों, कुछ सुलभ कॉम्प्लेक्स बने, कुछ स्वच्छता अभियान का दिया जाए और कुछ वाटर सेड का काम किया जाए। इसके लिए मैं कंपनी से संपर्क कर रहा हूँ, मैं आपसे भी सहयोग चाहूँगा। बहुत अच्छा सर। सर, आप मेंबर है स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज पर, आपने इसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या विचार है रेलवेज को लेकर? देखिए, जहाँ तक आपने निवेदन किया कि रेलवे का, मैं रेलवे और जो हमारी आचार संबंधी समिति है उसका स्थायी समिति का सदस्य हूँ। तो रेलवे में आपने निजीकरण की बात की, जहाँ तक है स्थिति क्या होती है कई बार कि देश के बाहर के पास, खुद के पास इतने बजट नहीं होता है कि जिस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर सके। अभी फ्रंट कॉरिडोर का काम चल रहा है, आजकल स्थिति ये पैदा हो गई है कि जैसे तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, तेल हमें विदेशों से आयातित करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है और बहुत बड़ा पैसा हमारा विदेशों में चला जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि हम रेलवे को पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक कर दें, और इलेक्ट्रिक भी हम सौर ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रिक पैदा करें, ताकि ये जो विदेशों से हमें तेल मंगाना पड़ता है और संसाधन मंगाने पड़ते हैं वो नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि औद्योगिक जगत में, औद्योगिक दृष्टि से पब्लिक के ऊपर बिना भार डाले यदि PPP मोड के तहत रेलों में कंपनीज आती हैं, लोग आते हैं, तो उससे समाज का भी भला होगा और देश का भी भला होगा, ये मेरा कहना है। सर, आप थैंक यू सर। सर, यू आर आल्सो अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑन एथिक्स एंड मेंबर कंसल्टेटिव कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जी, से क्या अपेक्षाएं हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जी अर्षा जी, आपका नेटवर्क कट चुका है, आवाज नहीं आ रही है।
हेलो हाँ जी हेलो जी आपकी आवाज बंद जी हो गई सर। थी शायद कि नेट। अभी हेलो हाँ जी बोलिए जी, हेलो आवाज आवाज नहीं आ अभी रही आपकी। आ रही है? अभी आवाज आ रही हाँ है? अब आ रही है, आ रही है अभी सर, जी। आप मेंबर हैं कमिटी ऑन एथिक्स पर, मेंबर कंसल्टेटिव कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री से क्या अपेक्षाएं हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ क्या कैसे मिलकर काम कर सकती है साथ में? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत स्वतंत्र होने के बाद में जिस तरह से भारत में स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए था, उस तरफ ध्यान कुछ कम गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वप्न देखा है आत्मनिर्भर भारत, आज ही उनका उद्बोधन था, अभी 10 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उस समय भी उन्होंने एक बात कही कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना चाहिए, भारत की चीजों को खरीदना चाहिए। तो भारत लगे जब तक उद्योग जगत में हम पदार्पण नहीं करेंगे, इंडस्ट्री की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे युवाओं को 50 लाख, लगभग 15 लाख का ऋण उपलब्ध कराया ताकि वो ऋण लेकर के और सस्ते ऋण के ऊपर काम करके आगे बढ़े। MSME के तहत भी जो लघु उद्योग हैं और मध्य वर्ग के उद्योग हैं, उनके लिए भी आपने देखा कोरोना काल में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारी योजनाएं आई। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उन दोनों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, सारे काम कर रही है, और उसके माध्यम से हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आजकल सरकारी और रोजगार की तरफ लोग बढ़ते हैं, वहाँ रोजगार का अभाव है। तो इतने बड़ी पब्लिक के अंदर हमारा 60 करोड़ के आसपास युवा है, उस यूथ को काम मिले, उनको काम मिले, उनको धंधा मिले, तो प्राइवेट जगत का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो समृद्ध हो और छोटे छोटे उनके लगें। आज हमें चाइना से है, हमारे देश में छोटी छोटी चीजें भी चाइना की आती है। एक नेल कटर क्या होता है, वो कोरिया और जापान और चाइना क्यों नहीं भारत का बिके? इसलिए हमें लघु उद्योग को, मध्यम उद्योग को महत्व देना पड़ेगा, और भारत सरकार इस काम के लिए जागरूक है। तो ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बेरोजगारी की समस्या है, इसका भी समाधान हो जाएगा जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, अनरेगुलेटेड सॉल्ट प्रोडक्शन जो हो रही है सांभर लेक के पास में, उससे काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है सॉल्ट वर्कर्स को ही नहीं, बट ग्राउंड वाटर भी काफी डिप्लीट हो रहा है। सिखर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो काफी सारे वाटर चैलेंजेस से गुजर रही है और गुजर चुकी है। आपका इस बारे में क्या इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं और आप क्या जी सपोर्ट चाहते हैं? देखिए, जो लेक है वैसे वो मेरी लोकसभा में नहीं है, जहाँ तक लोकसभा की बात है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रदेश में है। और आप ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सांभर स्थानों पर अवैध खनन आए, वो अवैध खनन बहुत ही खतरनाक है, उससे देश की संपदा तो नष्ट होती है, साथ में राजस्व भी प्राप्त नहीं होता है। तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस अवैध खनन के काम को बंद किया जाए, उसके ऊपर निगरानी की जाए। और जहाँ तक बात है मेरे लोकसभा क्षेत्र में पानी की, हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक जल भराव के प्रोजेक्ट प्रारंभ हों, जो वाटर सोर्सेस हैं उनका, उन पर नियंत्रण किया जाए, बांध बने और बने। और इसके साथ साथ में ये भी प्रयास चल रहा है के नदी का पानी, जो प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना थी नदी जोड़ने की, माने अटल जी बिहारी जी वाजपेयी ने इसको शुरू किया था, लेकिन बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस पर काम नहीं हो पाया। माने नरेंद्र मोदी जी ने फिर उसको प्रारंभ किया है। वर्षा का पानी
जो हमारा नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, कितना सारा पानी समुद्र में जाता है, उस पानी को नियंत्रित करके और जो ड्राई एरिया हैं उन ड्राई एरिया की जो नदियां हैं उन नदियों में डाल करके और वहां तक पानी पहुंचाया जाए, तो 4 महीने में पानी मिल सकता है। साथ में हमारा जो वाटर लेवल है जो नीचे चला गया वो वाटर लेवल मेंटेन हो सकता है। तो मैंने माननीय जल शक्ति मंत्री से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस संदर्भ में निवेदन किया है कि ये जो पानी है, नदियों का पानी जा रहा है, इस नदियों के पानी को सीकर जिले की जो प्राकृतिक नदियां हैं उनमें डाला जाए, डैम्स बनाए जाएं। और यहाँ भी हम जन जागरण अभियान चलाते रहते हैं कि पानी का दोहन कम से कम किया जाए और जो प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं उनका संरक्षण किया जाए। जी जी सर, सर इसमें आप कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट में आपको कॉर्पोरेट्स या कोई एनजीओस मदद कर रहे हैं या वैसे आप उस उनके साथ काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं अभी तो कोई बड़ा एनजीओ ऐसा नहीं आया है जो इस क्षेत्र में काम करे, लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने कुछ कंपनी से बात की है कि हमें मिलकर के जो रेन वाटर हार्वेस्ट है उसके ऊपर काम करें, जल भरण पर काम करें। और मैं समझता हूँ कि जैसे इस वर्ष हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में बारिश वर्षा हुई है, वर्षा अच्छी हुई, और उस पानी का यदि संचय हो जाता, उसका संग्रह हो जाता तो वो पानी बहुत काम आता। इसके साथ साथ में पीने के पानी की दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करूं कि जो भूमिगत जल है उस जल में बहुत सारे इस प्रकार के केमिकल्स हैं, जैसे फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। तो वर्षा जल को, छतों के पानी को कलेक्ट करके और उसके वाटर टैंक बना दिए जाएं और उस पानी को यदि पीने के लिए प्रयोग किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम, और विभिन्न कंपनी से मैंने बात की है कि हमें ये गांव गांव के अंदर, घर घर के अंदर वाटर टैंक बनाने का प्रयास करें जिससे छतों के पानी का संग्रह न हो सके। और मैंने माननीय जन शक्ति मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इस पानी को कलेक्ट करके हम इकट्ठा भी कर सकते हैं एक जगह, एक गाँव का पानी एक गाँव के बाहर इकट्ठा करके और उसको साफ करके फिर उसको सप्लाई किया जा सकता है, तो पीने का स्वच्छ पानी हमें मिल सकता है और बहुत ही अच्छा पानी, वर्षा का पानी, उससे श्रेष्ठ पानी कोई भी नहीं हो सकता। थैंक यू सर, जी थैंक हर्षा यू, जी, थैंक यू सर। ये कोरोना का जब आया प्रहार, उसमें फार्मर्स को काफी सारा नुकसान हुआ। अभी नए फार्म लॉज आए हैं, आपका उन उसके बारे में क्या विचार है? जो ये 3 कानून सरकार लेकर के आई है, ये काफी विचार विमर्श के बाद में ये कानून आए, और बहुत सारी ऐसे चीजें थी जो विभिन्न गवर्नमेंट्स ने लागू कर रखी थी, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने लागू कर रखी थी, बिहार गवर्नमेंट ने लागू कर रखी थी, और इसमें बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो किसानों के हित की हैं। तो मैं समझता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह भी चुके हैं कि भाई हम टेबल पर बैठ करके बात करें, यदि कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको ये लगती है कि आपके हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, तो उसको बैठ करके उस पर डिबेट की जा सकती है, बैठ करके चर्चा की जा सकती है, उसको संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि अभी बिल तो लागू हुए नहीं। और वैसे भी एग्रीकल्चर जो है ना स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट डिपेंडेंट है, उसको लागू करे न करे, और स्टेट्स को भी सोचना चाहिए, मिलकर के किसानों के हित की बात करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हमारे देश का किसान समृद्ध हो, भारत कृषि प्रधान देश है, अगर किसान समृद्ध नहीं होगा तो देश समृद्ध नहीं होगा, किसान संपन्न नहीं होगा तो देश संपन्न नहीं होगा। इसलिए किसानों के हित में मैं सदैव चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, चिंता करता हूँ, और मैं किसानों के साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। मेरा ये निवेदन है कि ये इन बिल में यदि कोई कमी दिखाई देती है कहीं, तो बैठ करके संवाद के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से उनका भी समाधान निकाला जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये काफी सारा सपोर्ट रहेगा किसानों के लिए। सर, हमारा जो देश है इसमें काफी लोग एडुकेटेड है। इनफैक्ट शिखर में लिटरेसी रेशियो 75.36% है। बट सिर्फ कोरोना नहीं, बाकी भी काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। तो इनका एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे आपने पहले भी कहा, अनएम्प्लॉयमेंट की काफी प्रॉब्लम है, तो इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो लोग एजुकेटेड हैं?
अभी जैसे मैं आपसे निवेदन करूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जिन युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, उनको लोन दे करके वो अपना इंडस्ट्री खड़ा कर सकें। स्किल इंडिया के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कारखाना, यूरेनियम का कारखाना, शोध का कारखाना, खंडेला तहसील में एक ओल गांव है, वहाँ पर स्वीकृत हुआ, मंजूर हुआ है, जिसमें 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। 3,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, बाकी बाद में उसके ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होना है। तो मैंने क्षेत्रीय सरकार से भी कहा है कि इस काम को संपन्न करने में सरकार की मदद करे, और भारत सरकार इसमें लगी हुई है। अन्य भी छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, लोग वो स्किल इंडिया के माध्यम से हम कर सकते हैं इसमें। तो मेरा विचार है कि वास्तव में सीकर में एजुकेशन सबसे अधिक है, यहाँ महिलाएं भी देश में सर्वाधिक शिक्षित हैं, और इस एजुकेटेड युवा शक्ति जो है, इसका हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए लाभ उठाएं, उसके लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए और अपने स्वरोजगार के काम होने चाहिए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। थैंक यू सर। सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो CSR सस्टेनेबिलिटी पर ट्रेनिंग करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। आपके क्षेत्र में पानी के अलावा और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, और आप इंडस्ट्री से और NGO से क्या सपोर्ट चाहेंगे? NGO से तो मैं चाहता हूँ कि पानी का तो बात है ही, इसके अतिरिक्त जो स्वच्छता का अभियान है, अभी जैसे अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है, गांव गांव के अंदर सफाई हो, स्वच्छता हो, इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण पर बल दिया जाना चाहिए। यदि हम पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उसका मूल स्रोत वर्षा है, और वर्षा तभी संभव हो पाएगी जब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अधिक वृक्षों का आरोपण होगा, पेड़ पौधे लगेंगे, और पेड़ पौधे लगाने में NGOs को सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अभी जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उसका 80% सामग्री हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है, तो हमारा पैसा विदेश में चला जाता है। हमारे पास में प्राकृतिक स्रोत बहुत हैं, हमारे यहाँ हजारों की संख्या के अंदर लाखों की संख्या में जड़ी बूटियाँ हैं, उन जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके हमें अपनी देसी पैदा करनी चाहिए, अपने पेस्टिसाइड तैयार करने चाहिए, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके और एक पवित्र शुद्ध अन्न और फल सब्जी आदि मिल सके, जिससे बीमारियों से हमारी युवा पीढ़ी बच सके। तो मैं NGO से कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कंपनीज से कि वो इसके माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दें, जल भरण का काम करें, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दें, ये मेरा आग्रह है। थैंक यू सर। एक हमारे दर्शक आपको प्रणाम कह रहे हैं, भास्कर जी। जी जी सर, आपका फाइनल मैसेज युवाओं के लिए और आदि लोग जो आपको देख रहे हैं और आगे जाकर देखेंगे। मेरा देश के नागरिकों से और खास तौर से युवाओं से एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे देश के कितने सारे युवाओं ने अपने बलिदान दिए थे, कितने युवाओं ने जेलों में यातनाएं काटी, फांसी के फंदों पर चढ़े। मैं यूथ से विशेष तौर से कहना चाहूँगा, हम नित्य प्रति कम से कम आधा घंटा उन शहीदों के जीवनों को पढ़ने का प्रयास करें, और उनके क्या स्वप्न थे, उनके क्या वलवले थे, वो क्या चाहते थे, कैसा भारत होना चाहिए, और उनके स्वप्नों का भारत बनाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। सब कुछ सरकार पर न छोड़ करके हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमें समाज में क्या करना है। और एक बात मैं अवश्य निवेदन करना चाहूँगा कि हमें स्वच्छता पर बल देना है, हमारी भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और स्वदेशी स्वदेशी वस्तुओं को हम अपनाएं। मैं जब कॉलेज का छात्र था तभी से मैंने खादी को अपनाया, स्वदेशी को अपनाया,
और आज तक मैं मेरे 50 साल जीवन के निकल गए इस क्षेत्र में, मैं अब भी खादी का प्रयोग करता हूँ, खादी का सेवन करता हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि मैं विदेशी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करूँ। तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमें, स्वावलंबी भारत बनाना है, और ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम समाज को एक संदेश दें, युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि उन युवाओं की, उन शहीदों की आत्माओं के अनुकूल भारत का निर्माण हो, ऐसा हमें करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सारे दर्शकों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्षा जी, आपने मुझे जोड़ा, समय दिया और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में आपने सम्मिलित की हैं। मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लायक कोई भी सेवा हो आप मुझे बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।